इधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक सदस्य मोहम्मद सुलेमान का बड़ा बयान सामने आया है। मौलिक अधिकारों पर अतिक्रमण हो रहा है, ये कह रहे हैं मोहम्मद सुलेमान। देश की संरचना पर घातक हमले हो रहे हैं, ये भी वो कह रहे हैं। हेट स्पीचेस के चलते आज समाज में संकट है। देश के विकास और मौलिक बिंदुओं पर चर्चा नहीं हो रही है। भावनात्मक मुद्दों को घसीटा जा रहा है। सत्ता में बैठे लोग घातक परिणामों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये सारे बयान हैं मोहम्मद सुलेमान के। वो कहते हैं कि समाज में अशांति का एक वातावरण बना हुआ है। वंदे मातरम सांस्कृतिक आजादी पर एक तरह का अतिक्रमण, ये भी बोलते हैं। वंदे मातरम को जबरदस्ती थोपना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है। देश में मुसलमानों का क्या हाल है और आने वाले समय में मुसलमानों की स्थिति को कैसे बदला जाए और सही किया जाए, इस पर मंथन हुआ। हमारे साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक सदस्य मोहम्मद सुलेमान साहब हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सुलेमान साहब, स्थिति पर क्या चर्चा हुई, किन किन बातों पर आप लोगों ने चर्चा की है और क्या आगे आप लोग करने जा रहे हैं? देखिए, देश में धर्म संस्कृति शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित करने चलाने की जो मौलिक अधिकार संविधान में दिए गए हैं उनमें इंक्रोचमेंट हो रहा है और हेट स्पीचेज के जरिए इस तरह की समस्याएं खड़ी की जा रही हैं कि जो भारत की जो संरचना है, हमारी सामाजिक कंपोजिट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उस पर घातक हमले हो रहे हैं जिससे समाज में एक तरह से एक संकट खड़ा हो गया है और इससे हमारे देश का विकास और देश के जो मौलिक बिंदु हैं उन पर चर्चा होने के बजाय भावनात्मक इश्यूज पर घसीटा जा रहा है हमारे। और अफसोस की बात यह है कि जो सत्ता में इस पार्टी में जो लोग हैं वो भी इसके घातक परिणामों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक सामयिक लाभ, राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह के क्रियाकलाप का इनडायरेक्टली संरक्षण कर रहे हैं। मंत्रण, लव जिहाद, मॉब लिंचिंग, ये आए दिन सुनने को मिलता है, इस पर बोर्ड ने क्या राय रखी अपनी? देखिए, हम ये महसूस करते हैं, बोर्ड ने महसूस किया है, पहले से भी महसूस करते आए हैं कि ये फ्रेजेस क्वाइन किए गए हैं, लव जिहाद और क्या कहते हैं धर्मांतरण। धर्मांतरण हमेशा होता रहा है, आप जानते हैं भारत बौद्ध धर्म के आधार पर चलता था। कभी कलिंग के राजा अशोक, सम्राट अशोक के बारे में है कि पूरा बौद्धमय था भारत। उसके बाद शंकराचार्यों ने अपना निर्णय लिया और क्या किया, इतिहास है, हम उस पर नहीं जाना चाहते। चर्चा हुई सांस्कृतिक आज़ादी, आस्था और इन तमाम मुद्दों पर विचार व्यक्त किए गए और कहा गया कि जो परिदृश्य आज बना हुआ है वो संविधान की आत्मा के अनुरूप नहीं दिखता है। इसके लिए बोर्ड आने वाले दिनों में अपनी कमेटी के माध्यम से समाज के बीच जाएगा और अपनी बात को रखेगा। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। आगे बढ़ते हैं। LIC और SBI के अदानी ग्रुप में निवेश की खबरों के बाद कांग्रेस ने देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आज दिल्ली के साथ साथ यूपी के कई शहरों में कांग्रेस नेता सड़कों पर उतरे और अदानी ग्रुप के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने इस मामले की JPC से जांच कराने की मांग की है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से। और देखिए, आप तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। देश के अलग अलग शहरों से हमें विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें मिली हैं और वही इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हुई हैं। आप देखिए जालौन में कैसे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, यही ऐसी तस्वीर हमें इटावा उत्तर प्रदेश से मिली है। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेसियों ने मार्च निकाला है, विरोध प्रदर्शन किया है। दिल्ली में भी कांग्रेस ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है और ये सब इसलिए क्योंकि निवेश हुआ LIC का और SBI का, अदानी ग्रुप के शेयर्स में, इसी का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इसी के खिलाफ। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बहुत तेजी से तैयार हो रहा है। अगले साल 14 जनवरी तक भव्य मंदिर में आम लोग रामलला के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि राम मंदिर की तर्ज पर ही अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी तैयार हो रहा है, उसकी पहली झलक इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। आप ABP गंगा पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की झलक देख रहे हैं। जब दुनिया भर से राम भक्त अयोध्या पहुंचेंगे तो एयरपोर्ट पर ही अयोध्या की भव्यता का उन्हें दर्शन हो सकेगा, राम की कहानियों से उनका परिचय हो पाएगा और 2025 तक इस एयरपोर्ट को तैयार भी कर लिया जाएगा, उसकी पहली झलक इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भगवान राम लला का दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण कार्य तेज गति के साथ हो रहा है। भगवान राम लला का मंदिर का निर्माण कार्य
प्रथम तल का जो निर्माण कार्य हुआ अक्टूबर 2023 में पूरा कर लिया जाएगा और भगवान राम लला अपने दिव्य भव्य मंदिर में जनवरी 2024 में विराजमान हो जाएंगे। लेकिन अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, जिसके लिए श्री राम एयरपोर्ट का निर्माण कार्य तेज गति से हो रहा है। एयरपोर्ट का प्रथम फेज का जो कार्य है वह सितंबर ABP गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।